आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेंटेंस। अक्सर हम देखते हैं कहीं पर भी कि इसके बारे में कहीं ना कहीं बात होती ही होती है कि ये सेंटेंस बोला, ये किया, वो किया। अक्सर जो कुछ प्रॉब्लम है वो इस पूरे सेंटेंस में ही रहती है। जैसे सपोज यहाँ पर एक सेंटेंस ले लेते हैं अपन, तो सेंटेंस की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, क्या परिभाषा होती है? तो सबसे पहले तो ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स जैसे शब्दों के समूह को। तो कहा जाता है ग्रुप ऑफ द वर्ड। पर क्या वाकई सारे ग्रुप जो है वो सेंटेंस हो सकते हैं, इसका मतलब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सेंटेंस होने के साथ साथ एक परफेक्ट मीनिंग होना उस वाक्य का बहुत ही जरूरी है। तो परिभाषा होगी अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स परफेक्ट सेंस। परफेक्ट सेंस देना बहुत जरूरी है उसका। क्यों? क्योंकि तभी तो अपने को पता लगेगा कि उस सेंटेंस का मतलब क्या है। अगर मतलब नहीं पता है, अगर कोई ऐसा वाक्य बोला गया है, जैसे सपोज मैं एक सेंटेंस को डिसऑर्डर में लिखता हूं, उसका ऑर्डर पूरा बिगाड़ देता हूं, ही प्लेइंग इज, तो इसका कोई मतलब नहीं है। पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, क्योंकि एक दो और तीन, तीन वर्ड्स यहाँ पर है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो है ये सेंटेंस तभी होता है जब उसका एक परफेक्ट मीनिंग हो। सबसे पहली ये इसमें डिमांड रहती है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले क्या हम ये देखेंगे कि सेंटेंस की जो डेफिनेशन है द ग्रुप ऑफ वर्ड्स परफेक्ट सेंस, तो ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं जो परफेक्ट सेंस देते हैं, मतलब जो एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं। जैसे आप अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये और यहां से लगाकर यहां यही पूरी इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसे कहा जाता है सब्जेक्ट और इसे कहा जाता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में होता है कर्ता, कर्ता मतलब कार्य को करने वाला, और प्रेडिकेट ये बचा हुआ भाग रहता है सेंटेंस का जिसमें इस, एम, आ, ये आप सबको पता है इस जो है हमेशा सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ में यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब है। एम ये खुद के साथ यूज होती है, सेल्फ के साथ में जब कभी अपन खुद को रिप्रेजेंट करते हैं तब यूज होती है। और आर जो है ये हमेशा प्लूरल के साथ यूज होती है। अब यहां पर देखें वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी, दिस इज कॉल्ड द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां पर वी फोर्थ भी लिख सकते हैं अपन, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड द आईएनजी फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑर्डर है, प्रॉपर ऑर्डर है। इसी तरह से इन सेंटेंसेस को बनाया जाता है अगर वो प्रेजेंट के हैं तो। प्रेजेंट में भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस, दिस इज अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसको थोड़ा और प्रॉपर कर सकते हैं अपन। अब यहां पर देखने वाली बात यह होगी कि जब अपन सेंटेंस की शुरुआत करते हैं या कहीं से भी एक सेंटेंस लेते हैं, तो इसमें कंपटीशन के हिसाब से
जब आप तैयारी कर रहे होते हैं या जब आप कंपटीशन के लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसमें यह देखा जाता है कि सेंटेंस में एरर कौन सी जगह पर है। एरर, एरर मतलब उसमें जो गलती है वो किस जगह है, यह देखा जाता है। एक सेंटेंस में लेता हूं, उस सेंटेंस में देखना होगा कि जो एरर है उस सेंटेंस की वो कितनी प्रभावशाली है और उस एरर को कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये चीज अगर क्लियर हो गई हो तो आगे चलते हैं। यहां पर मैं सेंटेंस लिखता हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दिस इज अ वेरी बेसिक टेंस, सबको आता है, इसलिए मैंने शुरुआत ही इसी से की है कि बेसिकली इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसमें आई एन जी जो कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनता है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अब यहां पर जो सबसे पहले ही देखने वाली चीज ये है कि आखिर सब्जेक्ट क्यों कहते हैं इसको और इसको ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं। एक्चुअली में जब किसी सेंटेंस को दो भागों में हम डिवाइड करते हैं तो एक भाग आता है इसका यहां से इधर का जो हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है, और एक भाग आता है हेल्पिंग वर्ब को इंक्लूड करके ऑब्जेक्ट तक, मतलब लास्ट तक जो सेंटेंस में जहां फुल स्टॉप होता है वहां तक का सेंटेंस होता है। अब चूंकि जो राइट हैंड साइड पे आप पार्ट देख रहे हैं पार्ट वन, और ये पार्ट टू है और ये पार्ट वन है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर पार्ट वन है और राइट हैंड साइड पर इसका पार्ट टू है, तो जब पार्ट वन जो है इसका कोई नाउन, ये याद रखिए सब्जेक्ट हमेशा नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ये विस्तृत में जब नाउन और प्रोनाउन हम पढ़ेंगे तब ऑब्वियसली इसको क्लियर करेंगे। पर जब कभी किसी काम को करता है ऑफ कोर्स तो वो काम ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, ये याद रखना कि सब्जेक्ट जो काम करता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखा, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई इसमें सब्जेक्ट है क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। चूंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको आई के साथ में एम यूज होता है, उसके बाद में यहां पर वर्ब फोर्थ फॉर्म है, इसके बाद में ये आर्टिकल है, और ये इसका नाउन, ठीक है। तो जो काम हो रहा है ये काम किसके ऊपर हो रहा है, लेटर के ऊपर हो रहा है। आई जो है वो वर्क कर रहा है, वो क्या कर रहा है, लेटर लिखने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ में सीधा संबंध है, मतलब सब्जेक्ट जिस काम को करता है उसका सीधा असर जो होता है वो ऑब्जेक्ट पे होता है। तो ये एक सेंटेंस है, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया, सब्जेक्ट जो काम को करता है
और प्रेडिकेट एक्सक्लूडिंग द सब्जेक्ट। रिमेनिंग पार्ट वो कहलाता है प्रेडिकेट। ये यहां से लगा था, यहां तक था, ये प्रेडिकेट है। और ये जो है इसमें सब्जेक्ट। अब हम पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट पर आकर हम आखिर ये देखेंगे कि ये जो एरर होती है वो इन सेंटेंस में किस जगह पर होती है और उस एरर को दूर कैसे किया जाता है, क्योंकि यही हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आजकल जो भी कंपटीशन एग्जाम्स होती है उसमें ये मुख्य पार्ट होता है कि एरर को कैसे ट्रेस करें। सबसे पहले तो एरर ढूंढें कि एरर कौन से हिस्से में है, उस एरर को कैसे दूर किया जाता है, हाउ वी कैन ट्रेस द एरर एंड हाउ कैन वी रिमूव द एरर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। सेंटेंस ये है कि ही इज प्लेइंग फुटबॉल। एक सेंटेंस लिखा है, आई इज प्लेइंग फुटबॉल। अब इस सेंटेंस को जब अपन देखेंगे तो ये यहां पर सब्जेक्ट है, इसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में इसमें मेन वर्ब है जो कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और इसके बाद में यहां पर ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो एज अ स्ट्रक्चर हम सेंटेंस का देखें तो ये पूरा एक करेक्ट स्ट्रक्चर है। पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ आई जो है हमेशा एम के साथ में रिप्रेजेंट होता है और इस सेंटेंस में आई के साथ में इज यूज किया हुआ है। इट मींस ये इसके हेल्पिंग वर्ब वाले पार्ट में एरर है, और हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट कौन सा है, ये इज जो सब्जेक्ट के सीधे बाद में है। तो सेंटेंस ये है और इसका मैंने क्वेश्चन बना दिया, फाइंड द एरर। कैसे फाइंड करेंगे, इस एरिया को नोट करेंगे और बता देंगे यहाँ एरर है। तो जो प्रश्न ये है, फाइंड द एरर एंड रिमूव इट, एरर को ढूंढना भी और उसको रिमूव भी करना है। तो सबसे पहले देखो सिंपली, अगर सिर्फ आपसे कहा जाए कि एरर को ढूंढना है तो एरर इसमें हेल्पिंग वर्ब वाले पार्ट में है, और अगर कहा जाए कि उसे दूर करना है दैट मींस आपको दूर नहीं करना, वहाँ सेंटेंस ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, आपको उसमें से करेक्ट फॉर्म चुनना है कि सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म कौन सा है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ये जो सेंटेंस है इसके इस वाले हिस्से में एरर थी। अगर चार ऑप्शन दिए हूं, एक दो तीन और चार, कैसे, जैसे एक पहला हो गया, दूसरा था इसे जो मैंने लिखा था, तीसरा आई के साथ में मान लो वो वर लगा दिया, पूरा सेंटेंस कॉपी हो गया, चौथा जो सेंटेंस है वो आई के साथ हैव भी लगा दिया और वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी दे दिया, तो ये सेंटेंस रहोंगे, ये रहोंगे रहोंगे। पर चूंकि ये सेंटेंस ग्रामेटिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आई के साथ में एम यहाँ पर लगा हुआ है, इट मीन्स ये सेंटेंस करेक्ट है, तो आपको इसमें ये सेंटेंस सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का जो अरेंजमेंट है वो देखा उन्होंने, सब्जेक्ट के साथ में प्रेडिकेट का अरेंजमेंट कैसे होता है। पर इसमें ये देखा जाना चाहिए कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसमें इज आई अगर है तो एम के साथ में, और प्लूरल फॉर्म में है तो आर के साथ में। पर याद रहे ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ में है, अगर इसको पास्ट कंटिन्यूस में बदलना है तो वाज और वर का यूज करें,
और सेम यही अगर फ्यूचर में बदलना है तो विल बी का यूज करें। ये सेंटेंस जब टेंसेस के पार्ट को हम विस्तृत में पढ़ेंगे तब इसको भी बड़े डिटेल में पढ़ेंगे अपन, पर फिलहाल अपने लिए यही है कि इस एरर को ट्रेस करके इसको रिमूव करना और देखना कि किस तरह से इस एरर को रिमूव किया जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आगे आने वाले वीडियो में हम और भी पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तृत से। थैंक यू।